बिहार के गया के शांतिबाग में चल रहे एनआरसी एनपीआर तथा सीएए के विरुद्ध धरना प्रदर्शन में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि गृह मंत्री जनता से झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद को आम कर दो, तो जज साहब ने ये कहा कि मौलाना आपको मालूम है आप किस तरह की गुस्ताखी कर रहे हो, आपको सजा हो जाएगी। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा आप मुझे सजा दे दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मैं इस बात यहाँ कदम नहीं होती। जज ने कहा खामोश रहिए आप। मौलाना ये कपड़ा कहा, तो मौलाना ने कहा कि जब मैं टेबल से निकला था तो अपने मौत की तैयारी करके निकला था, ये मेरा कसम है। सर सैयद वाला वो जौहर वाला वो गांधी वाला वो जौहर वाला वो बिस्मिल वाला स्वाक वाला स्वाक वाला रचित के बोलो लड़के लेंगे गोरों से ली थी चोरों से लेंगे। मेरे लहू से लिखना मेरे कफन पे लिखना हर साथ हमारी पहचान तुम्हारी पहचान हमारी, हर कतरे में ये हर गली मोहल्ले जस्टिस वाला इक्वलिटी वाला मैटरनिटी वाला गणराज्य वाला संविधान वाला ये खून पसीना पहचान तुम्हारी है इश्क हमारा पहचान तुम्हारी पहचान हमारी। अरे सोच से बोलो महिला ने बोला अरे पुरुष ने सीखा बहनों का नारा अब्बा का नारा भैया का नारा हम सब का नारा मुस्लिम का नारा रिजोर्ट से बोलो। तो मौलाना ने क्या कहा जरा गौर से सुनिएगा। मौलाना ने ये कहा कि जज साहब आप इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन जिस अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत मैंने जीते जी की, उस अंग्रेजी हुकूमत का दिया हुआ कफन पहनकर मैं अपने कब्र में उतरूं, मेरा समीर
इजाजत नहीं देता। ये है हमारी कुर्बानियां इस मुल्क को बनाने के लिए, ये है हमारी कुर्बानी। आप याद कीजिए, उन्हीं से ये कह रहे कि हम मुसलमानों मजहब की बुनियाद पर एक मुल्क बना रहा हूं, इस्लाम की बुनियाद पर, इस्लाम का कानून वहां नाफिज होगा, आओ मेरे साथ चलो। हिंदुस्तानी मुसलमान जिना को देख के मुस्कुरा रहे और क्या कह रहे, थैंक यू एंड सॉरी। क्या कहा जिना को, थैंक यू फॉर द ऑफर एंड सॉरी हम नहीं आ सकते। दूसरी तरफ जामा मस्जिद की सीढ़ी का खून शामिल है, तुम्हारे पसीना शामिल है, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। सेकुलर मुल्क को चाहा हमने, कैसे मुल्क को चाहा जिस मुल्क के अंदर एक थाली के अंदर बैठकर हिंदू भाई भी खाए, मुसलमान भी खाए, सिख भी खाए। जैन कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने दो। तो जिन लोगों को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है उनके लिए एक मैसेज है, आप भी याद रखिए। क्या मैसेज है, जिन लोगों को इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था वो सन 47 में पाकिस्तान चले गए, और जिनको आज हिंदू राष्ट्र चाहिए, मोदी जी के एक दोस्त हैं, बलात्कारी है, अक्सर होते हैं, मोदी जी के एक दोस्त हैं बलात्कारी हैं, अक्सर ऐसे ही लोग इनके दोस्त होते हैं, उनका नाम है चिन्यानंद। क्या नाम है, चिन्यानंद। तो चिन्यानंद महाराज ने एक टापू खरीदा, एक आइलैंड खरीदा, उस आइलैंड का नाम कैलाशा है, और उस इंडिपेंडेंट आइलैंड को उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। तो जिसको भी हिंदू राष्ट्र चाहिए उससे मेरी हाथ जोड़ कर इल्तिजा है, चाहे वो मोदी क्यों ना हो, चाहे वो अमित शाह क्यों ना हो, कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हमारे सेकुलर मुल्क के ताने बाने को बर्बाद ना करो, बलात्कारी चिन्यानंद के कैलाशा चले जाओ इस मुल्क को। एनआरसी एनपीआर है, इसका देश भर में विरोध क्यों हो रहा है असल में? नहीं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। देखिए, जो एनपीआर है इसका जिक्र जो कानून सेक्शन 14A 2003 में वाजपेयी सरकार लेकर आई संशोधन में, उसमें एनपीआर का कोई जिक्र नहीं था, उसमें एनआरसी का भी जिक्र नहीं था एज सच। उसमें केवल जिक्र था कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाए और उसी के संबंध में नियम बनाए जाएं। नियम बनाने की जो अधिकार था संसद ने सरकार को दे दिया। और ये जो कानून था 2003 का, जिसमें ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बात हुई सेक्शन 14 की, वो लागू होना था 2004 में 3 दिसंबर को, लेकिन वाजपेयी सरकार ने उसके लागू होने से पहले ही नियम बना दिए और उस नियम में ज़बरदस्ती एनपीआर ले आए, जबकि एनपीआर का कोई मसला नहीं था, संसद ने कोई अधिकार या कोई चर्चा एनपीआर के विषय में थी नहीं। तो एक तो वैसे ही गैरकानूनी किया कि संविधान लागू नहीं है, वो 3 दिसंबर 2004 को होना था, उससे पहले नियम बनाए और लागू भी कर दिए। एक तो ये गैरकानूनी, दूसरा एनपीआर का जिक्र नहीं था, उसके लिए सरकार को अधिकार भी नहीं दिए, वो भी ला दिया, ये भी गैरकानूनी। और फिर मैंने जो आपको बताया कि केवल 9 जानकारियां, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसका लिंग यानी आदमी है या औरत है, और दूसरा वो उसका स्थायी पता, वर्तमान पता, उसकी जन्म तिथि, उसका जन्म का स्थान, उसका पहचान का चिन्ह, और उसका एक वो मैरिटल स्टेटस कि वो शादीशुदा है या नहीं, केवल ये जानकारी देनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार मांग रही है किस जानकारियां, लोगों को पता नहीं है, सरकार हर चीज छुपा रही है, इसीलिए सेंसस का ये है। नहीं, 100% आप देखिए, ये एनपीआर है क्या, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके लिए हर 10 साल में होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है, वही तो है ना ये, कि पहले 2011 में अब हुई, अब 2021 में होगी। सरकार कहती है कि नहीं, ये लोगों के फायदे के लिए योजना बनाने के लिए हम लोग एनपीआर कर रहे हैं। तो सरकार से एक मोटा सा सवाल, भैया लोगों के फायदे की बात तो पहले बाद में करना, तुम ये बताओ 2014 में तुमने जो वादे किए लोगों से उसमें कितने वादे पूरे किए, कोई नहीं पूरा किया। सो तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करें, हर बात में तुम झूठ बोलते हो, हर बात में पब्लिक को गुमराह करते हो, अहंकार तुम्हारा इतना सर पे चढ़ के बोलता है, तुम आदमी को आदमी नहीं समझते, कैसे विश्वास करें सरकार पर। तो सरकार गैरकानूनी गैर संवैधानिक काम कर रही है और जितने अधिकार हैं उससे बाहर जाके कर रही है।
देश को बर्बाद करने के लिए और हकीकत में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध देश की जनता कर रही है और सरकार अपने मंसूबों में कभी कामयाब होगी नहीं। आपने कहा कि गैर मुस्लिम भी इसमें इनको नागरिकता से बाहर किया जाए, निश्चित रूप से। लेकिन 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 उनका कहना है कि हम सीए ला करके इनको फिर से नागरिकता दे देंगे मुसलमानों के सलाह। कैसे दे दोगे आप? क्या बाकी सारे लोग मूर्ख हैं? कैसे दे दोगे? अगर पिताजी का नाम पूछोगे तो पिताजी के नाम पे जाएगी, पिताजी के जन्म तिथि पर नागरिकता जाएगी। मैंने क्या बताया आपको? सीए के माध्यम से कैसे दे देंगे? तो क्या बताएंगे वो आदमी? जो आदमी इस देश का नहीं है तो वो बताएगा अपना कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ? देना बताए जाके लाएगा पाकिस्तान से सर्टिफिकेट या अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से, तभी तो दोगे ना, उससे पहले तो नहीं दोगे। तो जो आदमी है आपके उसमें, आखिर कितनी आंखें मिचोगे? आपने एनपीआर में उसका डाटा लिया कि इस देश का है ये रहने वाला, और अब नागरिकता से बाहर हो गया तो तुम कहोगे कि पाकिस्तान से आया, अफगानिस्तान से आया, बाकी सारे लोग मूर्ख हैं, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ना है ना कभी होगा। ये सरकार हमको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं।